Now, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to my YouTube channel. So, guys, यहाँ पे मुझसे मेरा भी एक नज़रिया था और मेरे से दो तीन लोगों ने सवाल भी पूछा था कि यार आपकी फर्स्ट वीडियो जो वायरल हुई थी 1.7 मिलियन, सो आपने कोई टैग्स डाले थे, क्या डाला था, क्या चीज़ें थी। सो यार आज इस वीडियो का टॉपिक, वैसे ऑब्वियसली बात है, मैंने तो ऑलरेडी जो है इसका थंबनेल और टाइटल हाउ टू वायरल वीडियो शायद कुछ इस तरह का टाइटल दूंगा। सो यार मैं आपको चीज़ें एक बता दूं कि वीडियो वायरल कैसे होती है, और सेकंडली बात कि वीडियो वायरल होने के राज क्या हैं, कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स। बेसिकली अगर आप देखो ना कि वीडियो वायरल कैसे होती है, तो मैं अपनी एक वीडियो जो मेरी 1.7 मिलियन थे, मेरी एक वीडियो जो वायरल हुई, उसके बाद मेरे चैनल्स पे जो व्यूज़ आ रहे हैं वो कुछ चंद हज़ारों में आ रहे हैं, मतलब कि ना के लाखों में, सिर्फ चंद हज़ारों में आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी एक चीज़ वायरल हो गई है तो आपकी हर वीडियो वायरल होगी, हर चीज़ वायरल होगी, यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो जो लोग ये सोचते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि यार ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती। हाँ, अगर आपकी एक चीज़ क्लिक हो गई है तो आपके पास व्यूज़ अच्छे आ जाते हैं, सब्सक्राइबर्स भी आपके पास अच्छे आ जाते हैं, बट हाँ अगर आप ये सोचो कि अगर आप ये लोग सोचो कि यार एक वीडियो वायरल हो गया तो बकाया सारी भी वायरल हो गई, तो यार ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, सम टाइम ऐसा होता है कि आपका कंटेंट बेकार होता है बट आपकी वीडियो चल जाती है। सो मेरी जब वीडियो वायरल हुई थी, मैंने क्या किया था, मेरी दो बेसिकली वीडियो वायरल हुई थी, एक जो मैंने पिछली ईद पे बनाई थी उसके मेरे बहुत अच्छे व्यूज़ आए थे लाखों में, और जो मेरी एक चीपेस्ट ब्रांडेड बैग के नाम से वीडियो थी, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई कार्ड में ऊपर चल रहा होगा यहाँ पे, सो आप चेक करना। सो मैंने जब वो वीडियो बनाई थी ना, सबसे पहले एक आपने चीज़ याद रखनी है, कुछ ट्रिक्स हैं, ओब्वियसली बात है वो सारी दुनिया ही को पता होते हैं, जिनको नहीं पता उनसे बात शेयर करने लगा हूँ कि सबसे पहले आपकी जो मेन चीज़ होती है वो क्या है वीडियो वायरल करने के लिए, आपका पैशन। जिस चीज़ को आप बनाना चाह रहे हो ना, उस चीज़ को अगर आप मेहनत से बनाओगे ना, अगर आप कहोगे हाँ यार ठीक है मैंने बनानी है, उसके लिए मुझे मेहनत चाहिए, मुझे टाइम चाहिए, कोई भी चीज़ बनाने के लिए, व्लॉगर्स की ज़िंदगी, बेसिकली मेरा चैनल व्लॉगिंग है, नो ट्रिक्स वगैरह। सो मैं भी जब शुरू हुआ था तो मुझे भी, मेरे पास व्यूज़ नहीं थे, और मैं ये चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि व्लॉगर्स की लाइफ आसान नहीं है। अगर आप कहोगे हम ऐसी वीडियो बना के सब कुछ कर देते हैं, नहीं, सबसे पहले तो हमें एक आइडिया सोचना पड़ता है कि यार हम किस चीज़ पे वीडियो बनाएं, फिर दूसरी बात आती है कि यार ये वीडियो बनानी है, इसके लिए क्या चीज़ चाहिए, फिर हम एक, जैसे कि मैंने ब्रांड चीपेस्ट ब्रांडेड बैग पे, मुझे यहाँ से स्पेशल जाना पड़ा दिल्ली गेट, वहाँ जाके मुझे वो वीडियो बनानी पड़ी, और मैं, मेरी वीडियो वायरल हुई थी ना, मैंने उसके अंदर क्या क्या किया था और वो क्यों वायरल हुई, कैसे वायरल हुई। बेसिकली सबसे पहला जो मेन बात है ना, वो है आपका पैशन। कोई भी काम कर रहे हो ना, उस चीज़ में आप, अगर पहली बात वो काम कर रहे हो ना, अगर आप कर रहे हो ना, तो सिर्फ एक चीज़ जेहन में रखो कि यार हाँ ये चीज़ पे मैंने सब मेहनत करनी है, भाड़ में जाए दुनिया, चीज़ करो, अगर वो कामयाब हो गई तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं हुई कम से कम आपको ये तो नहीं ना रहता कि यार मैंने अपनी चीज़, अपनी वीडियो के लिए मेहनत की लेकिन मेरी वीडियो चली नहीं। सबसे पहली चीज़ है आपकी मेहनत, ठीक है। उसके बाद इंसान जहाँ पे भी कैमरा लेके जाता है, इंसान को शर्म बहुत आती है। अगर प्रोफेशनल्स लोग शूट करते हैं ना, तो उनकी और हमारी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है, ये बात क्लियर है कि उन्होंने के पास पूरी टीम होती है। अगर हमने आपको एक चीज़ कोई भी पब्लिक में बतानी है, तो हमने कैमरा उठाना है और दिखा देनी है। और ऐसे ही मेरी वीडियो कैसे वायरल हुई, वो अब इस मेन टॉपिक पे आते हैं कि मेरी वीडियो में सबसे पहले मेरी मेहनत थी, जो कि मैंने सोचा था, बेसिकली ये कॉमन चीज़ थी कि चीपेस्ट ब्रांडेड बैग के नाम से अगर कोई भी वीडियो बना रहा था तो वायरल हो रही थी, उसे लोग देख रहे थे कि यार सबसे कम प्राइस में कहाँ हमें चीज़ मिल रही है अच्छी चीज़, तो वो एक मेरी चीज़ वायरल हो गई। और मज़े की बात अगर यहाँ आपको बताऊँ, तो मैंने उस टाइम पे मैंने कोई भी टैग्स नहीं थे लगाए। यहाँ पे बहुत से लोगों का सवाल होता है कि यार टैग्स लगाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़ो, हाँ वो चीज़ें भी मायने रखती हैं, एक तो आपका पैशन, दूसरा टैग्स, टैग्स पे मेहनत करो। क्या मेहनत, क्या ट्यूबडी है, एक एप्लीकेशन है, आप उसको अपने गूगल क्रोम में जैसे डाउनलोड करो, 2 से 3 MB किया, ट्यूबडी एक ऐप है, 2 से 3 मिनट की, वो 2 से 3 MB की एक ऐप है, आप उसको जैसे इंस्टॉल करते हो तो आपको टैग, मतलब सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सबसे पहली बात है कि यार अपना जो भी आप टाइटल रखते हो ना, वो टाइटल आप अपने नज़रिए से रखो,
जैसे कि अगर मैंने वो चीपेस्ट ब्रांडेड बैग रखा था ना, तो वो मेरा एक टाइटल खुद का था, मतलब चीपेस्ट ब्रांडेड बैग, ना कि इधर का नाम लूँ, ना कि उधर का नाम लूँ, ना ही मैंने कुछ टैग्स लगाए थे, ना ही मैंने कुछ किया था, सिर्फ मैंने मेहनत की थी, बनाई थी। उसके बाद फिर मैंने डिस्क्रिप्शन क्या दिया था, मैंने जो जो वहाँ पे चीज़ें देखी, जो जो चीज़ें की, मैंने डिस्क्रिप्शन पूरी भरी। डिस्क्रिप्शन में एक तो चीज़ ये होती है कि ना, सबसे पहली बात आ जाती है कि डिस्क्रिप्शन में भरने से ना आपको पास YouTube की तरफ से ना, YouTube आपको देखती रहती है कि हाँ यार ये चीज़ ने, अगर जब आप वीडियो अपलोड करते हो तो प्रोसेसिंग का एक टाइम आता है, वो तकरीबन 10 से 15 सेकंड का होता है, और उसी दौरान में YouTube आपको ये देखता है कि यार इस बंदे ने वीडियो अगर इस चीज़ पर बनाई है तो इस बंदे ने डिस्क्रिप्शन सही पढ़ा है। इन्होंने अगर कोई इंटरटेनमेंट की चीज़ें या एजुकेशन की चीज़ें या कोई व्लॉगर्स हैं या कुछ भी है, गेमिंग शेमिंग है, तो आपने उसके नज़रिए से रखा है कि नहीं, और मैंने वो भी सही डाली थी। उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन पूरा दिया, मैंने टैग सिर्फ 2 से 3 लगाए थे, जिसके अंदर पहला टैग था चीपेस्ट, यानी कि सबसे सस्ती तरीन चीज़, ब्रांडेड कोई भी ब्रांड उसमें इंक्लूड था, मुझे नहीं पता बट एवर बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं, वो मेरा टैग भी काम कर गया। तीसरा, मैंने अपने लाहौर का हूँ तो मैंने ओबियसली बात है लाहौर पाकिस्तान, मैंने सिर्फ लाहौर डाला था, सिर्फ 3 मैंने रखा था, और चौथा मैंने अपना लिख दिया था फहद, जो मेरे चैनल का नाम था फहद राज, मैंने सिर्फ ये 4 टैग्स लगाए थे और मेरी वीडियो वायरल हुई। मेरी वीडियो पहले 2 महीने नहीं चली, ये चीज़ भी मैं यहाँ पे बता दूँ, लोग कहते हैं कि यार मेरी वीडियोज़ नहीं चलती, मेरी वीडियो मैंने दिल हटा दिया, मैंने मतलब कि मैंने छोड़ दिया काम नहीं सही। मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप रेगुलर काम करते रहते हो ना, ऐसा मैं नहीं, ऐसा बड़े यूट्यूबर तो यूट्यूब की कम्युनिटी भी कहती है कि अगर कोई इंसान बाकी मेहनत कर रहा है ना, अगर उसके चैनल पे 100 वीडियोज़ कंप्लीट हो जाती हैं तो वो बहुत कुछ सीख जाता है, सीखने के बाद वो अपने आप को इम्प्रूव भी करता है और आगे काम भी करता है। बिकॉज क्योंकि अगर उसने 100 वीडियो बना लिया ना, तो इसका मतलब है कि वो आगे भी काम करेगा और उसको YouTube ऑटोमेटिकली प्रमोट करना शुरू कर देगा। अब ये ऐसा मतलब नहीं कि 100 वीडियो आप बस फनी क्लिप वैसे ही बस 2 मिनट 2 सेकंड 10 सेकंड का डाल दो, नहीं, अब कुछ वीडियो बनाओ, अपने नज़रिए से बनाओ और करो। मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मेरे दोस्त का चैनल था बियॉन्ड मीडिया के नाम से, मेरे दोस्त का चैनल था, वो ट्रेलर्स अपलोड कर रहा था, यानी कि दूसरी मूवीज़ का करता था, और मैं उसको मुझे उसने कभी बताया नहीं। तो थोड़े महीने पहले की बात है, उसने मुझसे बात की और मैसेज करो मेरी वीडियो पे व्यूज़ ही नहीं आ रहे, मैं तो ट्रेलर बड़े बड़े लोगों के कारण, जैसे कि कोई भी मूवी आनी बॉलीवुड हॉलीवुड तो वो करता था। सो बिलीव दैट के उसको भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन उस बंदे की वीडियो 3 वायरल हुई, 1 के 10 मिलियन व्यूज़ आए, 1 के 14 मिलियन व्यूज़ आए, 1 के 2 मिलियन व्यूज़ आए, और उसकी वजह से उसका चैनल के सब्सक्राइबर्स दिनों में बढ़े, यार मैं कहता हूँ घंटों में बढ़े, 1 घंटे में 10-20 हज़ार सब्सक्राइबर्स बढ़े। लेकिन काम, उसने भी कोई टैग नहीं लगाए, उसने भी कोई मेहनत नहीं की, उसने सिर्फ लोगों की वीडियोज अपलोड की, लेकिन उसका एक नुकसान आया कि उसको उस चैनल से अर्निंग नहीं आई। बिकॉज क्योंकि यूट्यूब की ना एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका ओरिजिनल कॉन्टेंट है ना, तो आप तभी पैसे अर्न कर सकते हो, लेकिन अगर आप दूसरों की चीज़ करते हो ना अपलोड, अगर मेरी वीडियो बिलफर्ज कोई अपलोड कर रहा है तो मेरे पास एक कॉपीराइट क्लेम का ऑप्शन आता है, सी ऑप्शन आता है, अगर मैं उसको क्लिक करता हूँ ना, तो मेरे पास जो जिन्होंने मेरी वीडियोज़ अपलोड की है ना, वो सारी दुनिया, मुझे पता लगता है कि कहाँ कहाँ पूरी दुनिया में मेरी वीडियोज़ किसी और चैनल पर अपलोड हुई, मैं उसको मैसेज कर सकता हूँ, मैं उसको स्ट्राइक दे सकता हूँ, मैं उसको कॉपीराइट क्लेम दे सकता हूँ कि ये अपने चैनल से वीडियोज़ हटाओ। सो मेरा नज़रिया ये है कि अगर आपने अपने वीडियो को वायरल करना है तो सबसे पहले अपनी मेहनत से काम लो, दूसरा डिस्क्रिप्शन पूरा दो, तीसरे नंबर पे टैग जो कि आपके वीडियो के रिलेटेड है। अगर आपकी वीडियोस एक एंटरटेनमेंट पे है ना, तो आप ट्रिक्स वगैरह के टैग ना दो। अगर आपकी वीडियो कोई एजुकेशन वगैरह पे है, तो आप यूट्यूब अर्निंग का ऐड ना दो, टैग्स ना दो, सॉरी। तो जो चीज़ है आप उसी को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करो, ताकि जो है ना देखने वाले देखें, ना कि टैग्स कोई और है। अगर बिलफर्ज कोई बंदा टैग लगा देता है, मैंने जैसे वीडियो बनाई, मैं इधर नीचे लिख देता हूँ यूट्यूब अर्निंग, टैग में लगाता हूँ, अगर कोई हैशटैग यूट्यूब अर्निंग लिखता है ना, कोई यूट्यूब अर्निंग लिखता है, मेरी वीडियो तो आ जाएगी, लेकिन जब वो देखेगा ना कि यार यहाँ पे तो बात ही उल्टी है, तो वो ऑटोमेटिकली कहेगा यार ये क्या, इसने चावल मारी है, इसने कोई और
मतलब टाइटल कोई और दिया हुआ है, वीडियो कोई और है, वो बंदा मेरे चैनल को एक तो पहले डिसलाइक करेगा, सेकंडली बात वो मेरे चैनल पे दोबारा आएगा नहीं, कहेगा यार इसने ये तो फ्री वीडियो फजूल बनाता है। इसलिए जो चीज़ आप कर रहे हो ना, आप उस चीज़ को अच्छी तरह करो। मेरी अपने जरिए अब मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ ना, मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज क्योंकि बहुत से आजकल जो लोग हैं ना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना शुरू हो गया। मुझे इस चीज़ की बड़ी मतलब मुझे काफ़ी खुशी होती है कि यार हाँ यूट्यूब की कम्युनिटी से लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ कैसे है, ये चीज़ कैसे है। सो मैं उन सबको रिप्लाई करता हूँ, सबका जवाब देता हूँ, सबके जो जो मैं मतलब के सोल्व कर सकूँ। लोग मुझसे ज़्यादातर ये नहीं पूछते कि यार क्या कैसे आप कितनी अर्निंग कर रहे हैं, मुझसे यही पूछते हैं कि यार ये चीज़ का कैसे सोल्यूशन है, और मैं उन सबको बताता हूँ। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं यूट्यूब की सेटिंग, ये वो क्या होगा, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करूँ, मैं वो सारी चीज़ें बताता हूँ। हाँ सिर्फ मैं यही कहूँगा कि ध्यान दो जो काम कर रहे हो, जो तुम करना चाहते हो, अगर खुद की मानोगे तो काम कर लोगे, वरना अगर लोगों की सुनोगे तो लोग तो सुना ही रहे हैं। लोग तो टिकटॉकर को भी बहुत बुरा कहते हैं, यहाँ पे बात आती है ना कि लोग टिकटॉकर को भी बहुत बुरा कहते हैं, क्या ये चबरे मारते हैं, लेकिन टिकटॉकर्स कई अच्छे भी हैं, कई अच्छी मेहनत भी करते हैं। हर कम्युनिटी है, हर एक की कम्युनिटी है, तो अपने पे ध्यान दो और बकाया किसी की तरफ ध्यान ना दो। जो आप करना चाहते हो वो करके एक दफ़ा देख लो, फ्री टाइम पे आप करते हो अभी तक तो आप इसको प्रोफेशनल तो ले नहीं रहे। जब आप प्रोफेशनल लोगे, वैसे भी यूट्यूब में कैरियर तो होता है, जो कि बड़े यूट्यूबर्स हैं बीबी की वाइंस, आशीष चंचलानी और बड़े अमित वंदाना और बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि सिर्फ यूट्यूब को ही अपना कैरियर बना के बैठे हैं, और वो